श्री शक्ति गृह उद्योग उतैली सतना। हमारा लक्ष्य हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना है। हमारे यहाँ करीब 200 प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं। किसी भी जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 7024159599। ISO सर्टिफाइड श्री शक्ति गृह उद्योग यादव धर्म काटा के पीछे उतैली सतना मध्य प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा जिले के त्योंथर तहसील क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद चाकघाट में इन दिनों पानी को लेकर भारी समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं। नगर परिषद चाकघाट क्षेत्र अंतर्गत लगभग 6.5 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना का कार्य चल रहा है, परंतु ठेकेदार की लापरवाही के कारण 5 वर्ष से अत्यधिक समय बीत जाने के बावजूद लोगों को अब तक शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो रहा है। नगर परिषद के सभी 15 वार्डों में पानी की भारी समस्याएं सामने आ रही हैं और विभिन्न वार्डों में नाली जैसा गंदा पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है और कई वार्डों में महीनों से पानी की सप्लाई ठप है, जिसको लेकर आक्रोशित लोगों ने आज नगर परिषद चाकघाट पहुंच तालाबंदी की और नगर परिषद के अधिकारियों के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि तालाबंदी किए जाने से 3 घंटे से अधिक समय तक नगर परिषद का कार्य प्रभावित रहा और नगर परिषद के कर्मचारी नगर परिषद के अंदर पक्षियों के भाग पिंजरे में कैद नजर आए। आनंद फानंद में जैसे ही इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को हुई तो उन्होंने तत्काल प्रभारी CMO पूजा द्विवेदी को नगर परिषद चाकघाट पे पहुंचने और समस्या को सुन तत्काल हल करने के निर्देश दिए, जहां आश्वासन पर आक्रोशित लोगों ने तालाबंदी समाप्त की। नगर के विकास के बारे में हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि विकास तो बहुत है, यहाँ के बहुत विनाश है, उसकी बातें हम नहीं करेंगे। मुख्य मुद्दा है कि हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय मोदी जी ने पानी को पारस से तुलना किया है, पारस पत्थर से पानी की तुलना किया है कि हम सबको शुद्ध पानी देंगे। आज तक हमारे नगर में 6,51,000 की परियोजना, 651 लाख की परियोजना पानी का पानी में ही चला गया। सारे अधिकारी यहाँ के निवर्तमान अध्यक्ष ने इसमें सब गोलमाल करके पूरा बंडर बांट कर लिया। आज भी लोगों को उसका पानी नहीं मिल रहा है और शक्ति लोकप्रियता लेने के लिए सांसद जी को बुला करके यहाँ पे उसका लोकार्पण करा दिया, जबकि उसमें आज भी कोई आदमी उसका मौके का मुआयना करे, किसी भी नए पाइप के कनेक्शन में कहीं पे भी पानी का आवागमन नहीं है और लोगों को गुमराह करके पूरा नगर पंचायत रखा है। यहाँ के कर्मचारी निरंकुश है, कर्मचारियों को इसकी कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ जो कर्मचारी मिस्त्री था उसको यहाँ CMO बना दिया गया है, तो कहिए जहाँ जो नगर का हमारे मिस्त्री उसको यहाँ CMO बना दिए हैं, वो काम नहीं कर रहा है, उसको सब ज्ञान है वो कर नहीं रहा है, वो दूसरे करवा रहा है, कैसे होगा सही? किस मिस्त्री की आप बात कर रहे हैं? यहाँ पे एक शंकर लाल माझी है जो यहाँ का मैकेनिक था, उसको यहाँ बड़ा बाबू बना दिया गया है। वो यहाँ मैडम जी, जैसा कि यहाँ चाकघाट नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्डों में नाली जैसा गंदा पानी प्राप्त हो रहा है, नगर में शुद्ध पेयजल का कार्य 5 सालों से चल रहा है 6.5 करोड़ का, परंतु उन लोगों को इस योजना की लाभ नहीं मिल रही है और यहाँ आज तालाबंदी स्थानीय लोगों द्वारा किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी मैं देख के आई हूँ, जो मेन लाइन मैंने बिछवा दी है पानी की, गली में लीकेज है, तो अभी लोगों को तत्कालिक व्यवस्था मैंने करवा दी है। वहाँ लोगों को अभी पानी मिलना 1 घंटे के अंदर शुरू हो जाएगा, बाकी 4 दिन जो मेन पेयजल की लाइन है 4 दिन के अंदर मैं सही करवा दूंगा, पानी सही मिलने लगेगा लोगों को। जो अपने यहाँ 5 सालों से पेयजल का कार्य चल रहा है, शुद्ध पेयजल का कार्य, ये कार्य कब तक पूरा हो पाएगा, इसका लाभ कब मिलेगा लोगों को? जल्द से जल्द, अभी और भी यहाँ पे वार्ड है जहाँ पे पाइपलाइन नहीं बिछी है, वहाँ हमने पाइपलाइन बिछाने के लिए उसको ऑर्डर दे दिया है और जल्दी ही समस्या, ये गर्मी जैसी अप्रैल तक में पूरे जगह चाकघाट में अपनी पाइपलाइन करवा दूंगी। नगर की जनता जनार्दन यह जानना चाह रही है कि यह जो कार्य चल रहा है 5 सालों से इतनी धीमी गति चल रहा है, आखिर क्या वजह है कि अभी तक यह पूरा नहीं हो पाया है? वजह ये थी कि अभी उसमें जो पाइप कनेक्शन नहीं लिए थे लोगों ने, कनेक्शन के लिए भी हमने लोगों से बोला है कि वो कनेक्शन लें, जितने ज्यादा कनेक्शन होंगे तो पाइपलाइन जो है उतनी पानी छोड़ेंगे, तो नहीं तो पाइपलाइन फट जाएंगे। तो कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन लोग ले ले, तो हम अपना जो है ये सही करवा लें पेयजल की व्यवस्था। लोगों को ये कहना है कि जब शुद्ध पेयजल का कार्य पूर्ण ही नहीं हुआ है तो हम कनेक्शन लेंगे तो हमें पेयजल मिलेगा नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वर्षों से पेयजल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कनेक्शन लेते आदमी ऐसे हैं कि जो पैसा जमा करने आज तक उनको पानी नहीं मिल रहा है। 400 कनेक्शन हुए हैं, 400 उसमें जब तक 1000 कनेक्शन नहीं होंगे तब तक जो है वहाँ से पाइपलाइन शुरू नहीं की जा सकती है। बाकी हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, अपनी उपयंत्री से बोले हैं, रात दिन लगा के हम यहाँ पे काम जल्दी से जल्दी कम्प्लीट करा लेंगे।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।